यू वॉन्ट टू चेंज योर लाइफ, और आपने सारा कुछ देख चुका है, मोटिवेशनल वीडियो, सेल्फ हेल्प बुक, सब कुछ आपने पढ़ चुका है, फिर भी भैया लाइफ चेंज नहीं हो रहा है हमारा। कल एग्जाम है आपका, लेकिन आज आप बैठकर रील देख रहे हो, नंगा नाच देख रहे हो, ना पढ़ा 19 साल के, और आपको लगता है कि आप लाइफ में लॉस्ट हो चुके हो। कैसे हम अपने गोल पे फोकस करें, पर्पस ढूंढने पर लाइफ में, और अपने उस पर काम करें, एक्शन लेना चालू कैसे करें। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर सम थिंग्स फ्रॉम माय लाइफ, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, जो कि शायद आपको हेल्प कर सकते हैं। टू चेंज योर लाइफ गाइस, यू नीड टू हैव अ पर्पस। गोल्स अलग होते हैं और पर्पस एक अलग होता है। आपको लाइफ में पर्पस फाइंड करना होता है कि ये मेरा पर्पस है, मुझे इस चीज पे वर्क करना है दिन रात सुबह शाम। आई नो दिस जनरेशन इज टोटली स्टूपिड, दे डोंट हैव एनी पर्पस, दे जस्ट वांट टू वॉच रील शॉर्ट, दिन भर वही देखना है, नंगा नाच। रात के 2 बजे अगर तुम सो रहे हो तो भाई उठ जाओ, नहीं मतलब शेक नहीं करना है, यू हैव टू think about your future, you have to think about your purpose guys, life mein purpose kya hai. A life without purpose is just like shit, means tatti, like apna jo shit मैं कितनी गंदी बातें कर रहा हूँ। लाइक जो अपना शिट होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, जस्ट जीरो। भाई अगर किसी इंसान का लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो उसका वैल्यू भाई जीरो है। कोई तुमको भाव नहीं देगा, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, तुम्हारा गर्लफ्रेंड, नहीं गर्लफ्रेंड तो होगी नहीं ऑब्वियसली, लाइफ में भाई तुमको कोई ध्यान देगा, एंड नोबडी इज गोइंग टू टेक यू सीरियसली। सब तुमको ऐसे थूक देंगे जैसे लाइक रोड पे थूक देते हैं ना। टू चेंज योर लाइफ यू शुड हैव अ पर्पस इन लाइफ। अ पर्पस मैं नहीं बताऊंगा भाई तुम्हारा ये पर्पस होना चाहिए, वो पर्पस होना चाहिए, सबका अपना अपना एक पर्पस होता है। मैं कम से कम टाइम स्पेंड करता हूँ ऐसे लोग के साथ जिनका लाइफ में कोई पर्पस नहीं है, बस पर्पस लेस है, दिन रात बैठ के चूतिया कटवा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लाइक 20 साल के हो गए, 21 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, बट क्या करना है भाई, कुछ नहीं पता है क्या करना है। तो ऐसे लोग के साथ मैं हैंग आउट करना प्रीफर नहीं करता हूँ, एंड यू शुड ऑल्सो नॉट प्रीफर। तो लाइक दिन भर में अपने पर्पस के बारे में एक बार तो सोचो, सो दैट यू कैन कीप गोइंग। नेक्स्ट थिंग गाइस, एंड दैट इज गाइस, यू शुड हैव अ फियर। देखो फियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम, एंड यू शुड ऑलवेज इमेजिन योर सेल्फ इन कमिंग लाइक 10 ईयर्स, कि आप 10 साल बाद कहाँ होगे, किस जगह होगी, 10 साल बाद मैं कहाँ होगा। तो डेली बैठ के सोचो भाई इस चीज़, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स, जिस फील्ड में आप जा रहे हो भाई, इसमें अगर नहीं हुआ तो क्या होगा 10 साल बाद, और अगर हो गया तो क्या होगा। बेसिकली यू हैव टू सी ऑल द पर्सपेक्टिव, एंड यू शुड ऑल्सो हैव अ फियर कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो भाई क्या होगा मेरा। एग्जाम्पल कल आपका एग्जाम और आप बैठ के रील देख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एग्जाम में फेल हो गए तो उससे क्या होगा, इमेजिन करो। और अगर आपने इमेजिन कर चुका है कि आप फेल हो गए तो आपका ये हो जाएगा, उसके बाद भी आप रील देख रहे हो, तो भाई तुम बहुत बर्बाद हो चुके हो, मैं तो भगवान भी नहीं बचा सकता। ऐसा मिडिल क्लास पर्सन मेरे लिए लाइक फियर्स जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जांपल मैंने ये नहीं किया तो उसके बाद क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, तो मुझे लाइक इमेजिन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भाई रिच फैमिली से होते हैं तो उनके लिए भाई क्या करना है, भाई बाप के धंधे बैठ जाएंगे, बाप का पैसा खाएंगे। पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल वैसा नहीं होता, उनका सिनेरियो काफी डिफरेंट होता है। वी हैव टू इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड वी शुड क्रिएट फियर्स कि अगर ये चीज नहीं हुई, ये चीज नहीं हुई तो भाई क्या होगा, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। लाइफ में लाइक बहुत सारे फियर्स हैं, और उन्हीं फियर्स के कारण भाई मैं डेली पुश करता हूं अपने आप को काम करने के लिए। आई नो दैट आई एम नॉट फ्रॉम लाइक रिच फैमिली कि मैं ये कर लूंगा, अगर मैंने कुछ भी नहीं किया लाइफ में तो आराम से लाइफ कटेगा, ऐसा नहीं है मेरा लाइफ। तो मेरे लिए लाइक फियर्स बहुत ही लाजमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर फियर नहीं होंगे तो भाई मैं काम ही नहीं करूंगा। एंड बहुत से लोग बोलते हैं भाई मुझे लाइक फ्यूचर का भाई दिक्कत होता है, मुझे टेंशन होता है, मुझे फियर होता है भाई अगर नहीं हुआ तो ये क्या होगा, एंड उसके बाद भी लाइक बहुत से लोग एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। तो मैं एक ही बात आपको एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड सोशल मीडिया आप इतना कॉन्टेंट देखते हो लाइक रील शॉर्ट का, आपका दिमाग जो है वो फट चुका है, वो चूतिया बन चुका है, बेसिकली आपके दिमाग में बेसिकली टट्टी भर चुकी है। अगर मैं शार्प शब्द में बात करूं तो इंग्लिश वाले नहीं बोलूंगा शिट मेट। तुम लाइक 15 सेकंड का रील देखते हो खुश हो जाते हो, 15 सेकंड का रील देखते हो तुम दुखी हो जाते हो, 15 सेकंड का रील देखते हो तुम डिप्रेस हो जाते हो, 15 सेकंड का रील देखते हो तुम हैप्पी हो जाते हो। तुम्हारे इमोशन के साथ खेला जा रहा है, तुम्हारे दिमाग का BOSTA किया जा रहा है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग तुम्हारा ब्रेन ऐसा बन चुका है कि लाइफ में जब कोई इंपॉर्टेंट सिनेरियो आता है, कल के दिन तुम्हारे पेरेंट्स खत्म हो जाते हैं तो वहां पे भी बैठ के तुम रील देखोगे, वहां पे भी बैठ के तुम अपने फादर की मैयत पे सेल्फी लोगे, ब्रो तुम्हारा ब्रेन इतना खराब हो चुका है ब्रो। और जब तुमको लाइक करियर पे फोकस करना होगा तो वहां पे भी तुम उस बात को लाइक उस सीरियस को तुम हंसते खेलते टाल दो, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन बन चुका है छूतिया। मेरे लिए लाइक दिमाग में फियर्स होते हैं कि अगर मैं लाइफ में इस एज तक वहां नहीं पहुंचा तो मैं नहीं चाहता कि मैं वो सब चीजें लाइक देखूं अपनी लाइफ में, या फिर उन सब चीज से गुजरूं। मैं लाइक कार से जा रहा हूँ और तुम बैठ के साइकिल से जा रहा होगे हॉस्पिटल तक, मैं कार से हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये चीज लाइक मैं इमेजिन करता हूँ, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोस थिंग आई कीप वर्किंग एंड फोकस ऑन माई पर्पस, फोकस ऑन माई गोल। वन थिंग गाइस दैट वर्क फॉर मी एंड दैट इज, अगर आप लाइक डिस्ट्रैक्टेड हो गए और आपको लाइक अपना फियर याद करना है, लाइक उसको लिख के रख लो अपने वॉल पेपर में या फिर पोस्टर में या फिर कहीं पर भी आप उसको लिख लो, ताकि जैसे ही लाइक आप फॉर एग्जाम्पल आप रील देख रहे हो आपको फटाक से दिख जाए, अरे ये मेरा फियर है, ये मेरा पर्पस है, चल भाई काम करना होगा मेरे को। सो ऐसा लाइक सीन मेरे केस में काम किया है, बाकी तुम अपना देख सकते हो। गाइस नेक्स्ट थिंग एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, दैट इज टेक अ रियलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स योर फ्यूचर, योर गोल्स। क्योंकि लाइक व्हाट काइंड ऑफ रियलिस्टिक, फॉर एग्जांपल ये मेरा माउस है, अगर मैं इसको यहां से छोड़ दूंगा मतलब नीचे, तो ये गिर के ऑब्वियसली टूट जाएगा, मुझे पता है कि टूट जाएगा, मेरा 700 से 800 रुपया
गया मेरा काम। तो लाइक ये रियलिस्टिक चीज है, लाइक ये रियल बात। और अगर आप लाइक डेली अनरियलिस्टिक अप्रोच लेते हो और डेली अनरियलिस्टिक डिसीजन लेते हो, मैं तो भाई आप बर्बाद की कगार पे। वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट इलन मस्क, उसने एक बात बोला था कि ये बहुत बड़ा ट्रैप है इस वर्ल्ड में, दैट इज कि हम ऐसी चीज में फंस जाते हैं कि मतलब एक अनरियलिस्टिक चीज को हम सच मानते हैं और सच मानने में लग जाते हैं जो कि सच नहीं है, और ये बहुत ही खतरनाक ट्रैप है। फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्लियर अ यूपीएससी एग्जाम और एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, लेकिन मैं 5 मिनट नहीं बैठ पा रहा हूँ, 1 घंटे नहीं बैठ पा रहा हूँ पढ़ाई में, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा मन लगता है कंप्यूटर्स में, टेक्नोलॉजी में, इन सब चीजों में, लेकिन मैं लगा हूँ यूपीएससी की तैयारी करने में, भाई जबरदस्ती पढ़ रहा हूँ इस किताब को ताकि मैं यूपीएससी क्लियर कर लूँ, मैं आईएएस अफसर बन जाऊँ, उसके बाद रिश्वत मतलब देश की मैं सेवा करूंगा, लाइक ये करूंगा वो करूंगा, तो मुझे तो भाई नहीं होगा वो मुझसे, क्योंकि मैं जब बैठ नहीं पा रहा हूँ 2 घंटे, देन हाउ कैन आई क्लियर यूपीएससी एग्जाम। तो लाइक दैट इज अनरियलिस्टिक अप्रोच, और अगर मैं इस चीज में लगा रहूंगा देन आई एम वेस्टिंग माई टाइम एनर्जी। अगर आप डेली कोई भी डिसीजन ले रहे हो लाइक छोटा बड़ा, उसका एक रियलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों ने लाइक बहुत बार सुन चुका होगा कि भाई सब लोग बोलते हैं सोशल मीडिया कम चलाओ, सोशल मीडिया कम चलाओ, सही अच्छा होता है, ये होता है, वो होता है। आई थिंक सबको पता होगा दैट सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ 21st सेंचुरी, और बट हम ये भी नहीं बोल सकते भाई सोशल मीडिया लाइक कंप्लीटली खराब है, बिकॉज आई एम मेकिंग मनी आउट ऑफ इट एंड अ लॉट ऑफ पीपल मेकिंग मनी आउट ऑफ सोशल मीडिया, सो इट्स नॉट अ बैड थिंग। बेसिकली इट डिपेंड्स अपॉन योर यूज। फॉर एग्जांपल भाई लोग, मैं भी आप लोग में से ही हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस इंटरनेट एंड सोशल मीडिया मेरे नाम के नीचे लग चुका है गूगल में, अगर आप सर्च करोगे तो इंटरनेट पर्सनालिटी। तो भाई साहब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर यूज, आप इंटरनेट को लाइक किस तरीके से यूज करते हो। अगर आप लाइक दिन भर बैठ कर रील शॉर्ट्स देख रहे हो, उल्टा सीधा कॉन्टेंट देख रहे हो, सो बेसिकली यू आर वन स्टेप क्लोज टू बेरोजगारी। क्या आप देखते हो सोशल मीडिया पर, ये बहुत इंपैक्ट करने वाला है आपकी लाइफ को, लाइक बहुत से लोग को पता भी नहीं है वॉट इम्पैक्ट दैट कॉन्टेंट इज गोइंग टू मेक इन योर लाइफ। अब मैं ये नहीं बोलूंगा भाई कंप्लीटली इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, यूट्यूब हटा दो, ये कर दो वो कर दो, सो इंटरनेट हैज इट्स ओन यूज, बट आपने उसको यूज करते हो नंगा नाच देखने के लिए, और लाइक लिमिट में यूज करो अपने काम के लिए। अगर आपका काम है वांट टू गेट फेमस ऑन यूट्यूब एंड ऑल, एंड यू गाइस वांट टू मेक क्वालिटी यूट्यूब वीडियोस जस्ट लाइक माई वीडियोस, आपको सीखना है लाइक स्टोरी टेलिंग, वीडियो एडिटिंग, कलर ग्रेडिंग, लाइक कलर ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं अपनी फोटेज को बिफोर आफ्टर, आपको सारा कुछ सीखना है, करना है एडिटिंग कैसे करना है, साउंड डिजाइन कैसे करना है, सारा कुछ आपको सीखना है तो आप एक ही जगह सीख सकते हो, एंड दैट्स ऑन माय वेबसाइट subbunila.com, यू कैन चेक आउट माय कोर्स। एंड लास्ट थिंग गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि भाई अगर आपको लाइफ में लाइक चेंज आना है और आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है, भाई स्लो डाउन, स्लो हो जाओ भाई, आराम से पेशेंस रखो भाई हर चीज में। यू वांट टू मेक मनी, ठीक है भाई आपको पैसा करना है, आपको करियर सेट करना है, लाइक इतना जल्दी मनी बनाना है कि आप उल्टी सीधी चीजें कर रहे हो, लाइक शॉर्टकट्स ले रहे हो, ये रिवॉर्ड का, शॉर्टकट्स हमेशा आपको ले डूबेंगे भाई। आई नो दिस जनरेशन इज फक्ड अप, आप उनको जाइए भाई, एक दिन में, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, 1 सेकंड में कैसे हम $1 trillion बने या $1 billion बने, तो वो सब चीजें भाई नहीं होती हैं। एक ऐप डाउनलोड करने से आप अमीर नहीं बन जाओगे, तुम्हारा चूतिया काटा जा रहा है भाई। यू शुड स्लो डाउन योर लाइफ एंड हैव अ पेशेंस इन लाइफ, लाइक आराम से करो। आई नो आप लाइक बहुत से लोग डिप्रेस होते हैं, भाई मेरा ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, आराम से काम करने का ब्रो, आराम से लो डिसीजन, आराम से करो, रियलिस्टिक चीज सोचो, अपने पर्पस पे ध्यान दो, अपना पर्पस फाइंड करो, अपना फियर क्रिएट करो, सब चीज के कारण लाइक मेरा लाइफ चेंज हुआ है। अगर आपका लाइफ चेंज होता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, नहीं होता है तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरा लाइफ तो चेंज हुआ है बिकॉज फॉलोइंग ऑल सच थिंग्स। तो फिर मैं आपको तनाव कुछ ऐसी चीजें जो कि मेरे लाइफ में, मैं माय एक्सपीरियंस एंड अ लॉट ऑफ